माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ, मैं हूं मीनाक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पे इस विंटर स्पेशल सीरीज चल रही है, सो आज का वीडियो भी विंटर स्किन केयर पे डेडिकेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगी एक विंटर स्पेशल क्लीनअप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई फील करती है, हमें लगता है यार ये स्किन की ड्राई क्यों हो रही है, स्किन में डलनेस आ जाती है और एकदम ग्लो कहीं चला जाता है। सो जरूरी है कि आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और एक वीकली क्लीनअप जरूर करें। सो आज मैं आपको बताऊंगी एक क्लीनअप जो कि आप घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। बट मूव ऑन करने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे क्लीनअप का फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क। नाउ इस तरह से कॉटन पैड लेकर इसे अच्छे से डिप करना है रॉ मिल्क में और अपने फेस को इससे अच्छे से क्लीन करना है। रॉ मिल्क एक नेचुरल क्लेंजर होता है और इसमें लैक्टिक एसिड होने की वजह से ये डर्ट और इम्प्योरिटीज को हमारी स्किन से बहुत आसानी से रिमूव कर देता है और हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। और फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपना फेस वॉश कर लें। ना जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रेटेड गाजर, 1 टेबलस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून हनी। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत जेंटली हम अपने फेस पर बहुत धीरे धीरे मसाज करेंगे। ये बहुत ही जेंटल एंड माइल्ड स्क्रब है, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा। नाउ यहाँ पे हमने यूज़ किया है कैरेट। कैरेट में विटामिन सी होता है विच हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़, जिससे ना सिर्फ ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है बल्कि स्किन को सॉफ्ट, प्लम्प और रेडिएंट बनाता है। एंड शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होती है जो कि डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, साथ ही स्किन को हाइड्रेटेड रखने में और मॉइस्चर को लॉक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंड हनी एज वी ऑल नो हनी में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये एक्ने सी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। साथ ही इसमें होती है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है और हमारी स्किन घंटों तक मॉइस्चराइज फील होती है। आपको इसे बहुत आराम से करना है, बहुत जेंटली करना है और 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसाज करने के बाद आप अपना फेस वॉश कर लें। ना हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, वरना आप ये स्किप भी कर सकते हैं। मैं अपने क्लीनअप रूटीन में इसे ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अराउंड 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1/2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अराउंड 1 टेबलस्पून हनी शहद। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस की, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मसाज करनी है, आपको सर्कुलर मोशन में और अपने फेस को अपवर्ड लिफ्ट करते हुए, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मसाज करनी है, बिकॉज हम नहीं चाहते हमारी स्किन लटक जाए और सैगी नज़र आए। और इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक्स देते हुए हमें अच्छे से मसाज करनी है जिससे हमारी स्किन टाइट और फर्म दिखाई दे। अब मसाज करने से हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है और साथ ही हमारी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। नाउ आफ्टर 2 मिनट्स आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं या फिर आप वाइप लेकर, टिश्यू लेकर वाइप भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट स्टेप, दैट इज़ फेस पैक। और फेस पैक बनाने के लिए हमें लेना है थोड़ा सा बनाना, अराउंड 1 टेबलस्पून कर्ड दही एंड 1/2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। नाउ बनाना को अच्छे से मैश कर लेना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, और ये हो गया हमारा सुपर हाइड्रेटिंग फेस मास्क तैयार। नाउ पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, अगर ब्रश नहीं है तो अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ बनाना में होते हैं भरपूर मात्रा में विटामिंस एंड मिनरल्स जो कि ड्राइनेस एंड रिंकल जैसी प्रॉब्लम्स से हमारी स्किन को प्रिवेंट करते हैं, और साथ ही इसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जिसे ही हमारी स्किन को एजिंग साइंस लाइक फाइन लाइन्स, एज स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट करता है। और दही में होते हैं गुड बैक्टीरिया जिससे कि हमारी स्किन को अंदर से ग्लोइंग और नरिशिंग रखने में हेल्प मिलती है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये एक्ने से प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और आलमंड ऑयल, बादाम का तेल एक बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड नेचुरल ग्लो एंड हाइड्रेशन टू योर स्किन। इसके फैटी एसिड हमारी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं और साथ ही हमारे स्किन को यूवी रेडिएशन से जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करता है और स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाता है। और इस पैक को हमें 15-20 मिनट्स रखना है
और उसके बाद अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में एक नेचुरल ग्लो दिखाई दे रहा है और मेरी स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड फील हो रही है। आप इस क्लीनअप को वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्रस्ट मी आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी स्किन विंटर्स में बिल्कुल ड्राई और फ्लेकी नज़र नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड लगेगी। और इस क्लीनअप को करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं होगी, बट स्टिल आप मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। सो गाइज, देखा आपने, जैसा कि मैंने कहा था, ये क्लीनअप बहुत इजी होने वाला, आप घर पे इसे आसानी से कर सकते हैं। इसे वीक में जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार और आपको आपकी स्किन में डिफरेंस जरूर दिखेगा। आपकी स्किन में आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, साथ में आपकी स्किन मॉइस्चराइज दिखेगी, एक नेचुरल ग्लो दिखाई देगा आपके फेस पे। जो मसाज वाला पार्ट था वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास टाइम है तो कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट यू इसे जरूर कीजिए। इसको करने के बाद आपको जल्दी से फेशियल की जरूरत महसूस नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। लगा हुआ तो एज यूजुअल आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।